चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं वॉरेन बफेट जी का एक वीडियो देख रहा था जहां वो किसी कॉलेज में बच्चों के क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है अटेंड कर रहे थे। बच्चे उनको क्वेश्चंस पूछ रहे थे और वो आंसर्स दे रहे थे। काफ़ी बढ़िया इंटरव्यू था वो, काफ़ी बढ़िया स्पीच थी। वहाँ पर मुझे दो तीन चीज़ें अच्छी लगी उस स्पीच में। सबसे पहला ये था कि वॉरेन बफेट जी ने स्टूडेंट से कहा कि लेट मी पोज अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि मान लीजिए मैं आपसे आज आकर आपको कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई का 10% आपको मुझे देना होगा, ज़िंदगी भर। यानी आप जितना भी कमा रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपका अप्रेजल हो रहा है, आप जॉब चेंज कर रहे हो, आप जितना भी कमा रहे हो आपकी इनकम का 10% आपको मुझे हर साल आपकी इनकम का आपको मुझे देना होगा। अब उन्होंने कहा कि लेकिन इस इनकम के बदले मैं आज आपको कहता हूं कि आप जो है मुझसे एक रकम का चेक ले लीजिए। यानी आज मैं आपको कुछ रकम का चेक दूंगा लेकिन उसके बदले में आप मुझे कमिट करोगे कि आपकी जिंदगी भर की कमाई का 10% आप मुझे दोगे, तो वो रकम कितनी होगी। अब मैंने यही एक छोटा सा वीडियो डाला था कुछ 3-4 दिन पहले और कई लोगों ने उस पर मुझे जो है जवाब दिया। किसने कहा 129 करोड़, किसने कहा 5 करोड़, किसने कहा 10 करोड़। लोगों ने जो है रैंडम फिगर्स डाल दी। लेकिन ये चीज़ अगर आज आपसे आके कोई पूछे, ऑफकोर्स ये रियल लाइफ में होना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये चीज़ अगर आज आपसे कोई रियल लाइफ में आके पूछे कि अगर आपको अपनी इनकम का 10% ज़िंदगी भर किसी को देना पड़े तो आज आप उस इंसान से कितने रुपए का चेक कलेक्ट करोगे, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे डिस्कस करें उससे पहले एक और क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने वॉरेन बफेट जी से पूछा, जो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वो ये था कि अगर हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, हम अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं और हमारी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम एक ऐसे जॉब में काम करना शुरू कर दें जहाँ पे हमें बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र की जा रही है, हमें बहुत अच्छा पैकेज ऑफ़र किया जा रहा है, तो हम उस जॉब को सिलेक्ट कर लें, फिर चाहे भले ही हमें वो जॉब पसंद नहीं आ रहा हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बहुत ही कम सैलरी वाला जॉब ले रहे हैं लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है, उस काम को हम एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। और वॉरेन बफेट जी ने इस चीज़ को इतने बेहतरीन तरीके से समझाया एंड इट वॉज रियली इम्प्रेसिव। उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछा कि फ्यूचर में अगर तुम्हें एक कम सैलरी वाले जॉब में भी तुम्हें अगर मैकडॉनल्ड्स में खाना खाना है तो तुम शायद अफोर्ड कर पाओगे, और मैं भी वहीं पे खाना खाता हूँ, मैं कोई रोज़ जाके 5-स्टार होटल में खाना नहीं खाता हूँ। अगर तुम्हें मैं जो सूट पहनता हूँ शायद मैं तुमसे थोड़ा महंगा सूट पहनूंगा लेकिन तुम भी सूट अफोर्ड कर पाओगे, भले इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर पाओगे लेकिन तुम कपड़े अच्छे अफोर्ड कर पाओगे उस कम सैलरी में भी। तीसरा जो उन्होंने उससे कहा कि तुम अपनी लाइफ, अगर तुम ज़्यादा सैलरी के चक्कर में, अगर तुम जो जिस जॉब में जाकर तुम्हें 10-12 घंटे बैठना है ऑफिस में, तुम अगर जॉब एंजॉय नहीं कर रहे हो तो वो पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे। बल्कि अगर तुम कोई ऐसा जॉब सिलेक्ट करते हो जहाँ पर तुम्हें सैलरी भले ही इनिशियली कम मिल रही है लेकिन तुम उस जॉब को, तुम उस काम को एंजॉय कर रहे हो, वो काम तुम्हारे लिए काम नहीं है, तो चांसेस है कि कुछ सालों बाद तुम उस जॉब में इतना अच्छा करने लगोगे कि जो सैलरी तुम्हें, ज़्यादा सैलरी मिल रही थी दूसरे जॉब में जिसे तुम एंजॉय नहीं कर रहे थे, तुम शायद उससे ज़्यादा ही कमाना शुरू कर दोगे कुछ सालों बाद। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव आंसर था। तो इसका जवाब इन शॉर्ट ये है कि अगर हमारे लाइफ में कभी हमें दुविधा आती है कि शुड वी चूज अ जॉब विच पेज अस बेटर और शुड वी वर्क फॉर अ कंपनी विच द जॉब दैट वी एन्जॉय, द कल्चर दैट वी एन्जॉय, तो उनका आंसर बहुत ही सरल था कि शायद मैं प्राइवेट जेट में ट्रैवल करूंगा, मेरे पास काफ़ी पैसे, लेकिन आप कम सैलरी वाले जॉब में भी आप ट्रैवल ज़रूर करोगे भले ही आप इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करोगे। तो हमें उस जॉब को सिलेक्ट करना चाहिए उनके अनुसार जहां पर हमें
काम करने में मज़ा आता हो, जॉब ही क्यों। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो हमें उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए जो इवेंचुअली आपको ज़्यादा बेनिफिट ही देंगे। तो ये दो क्वेश्चन थे। तो अभी हम आते हैं दोबारा पहले क्वेश्चन पे कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई साहब आपका जो 10% सैलरी का जिंदगी भर आपको हमें देना होगा तो आज आप कितने रुपए का चेक डिमांड करोगे। आइए समझते हैं एक्सेल शीट से जो मैंने खास आपके लिए बनाई है, मैंने अपना लॉजिक लगाया कि आपको कितना पैसा, एक एग्जांपल से कि आपको कितना पैसा मांगना चाहिए। लेकिन ये समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की मैरिज और बाकी गोल्स जैसे घर खरीदना, वेकेशंस पर जाना, कार खरीदना, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और आज से आपको कितने पैसे निवेश करने होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए आपके स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। दोस्तों मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। सो लेट्स लुक एट द एक्सेल कि अगर कोई आपसे 1/10 ऑफ योर सैलरी मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत ही फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आज जो है हम आशित का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइन, आशित को जो है मिस्टर वॉरेन बफेट ने आके कहा कि भाई साहब आपकी जो भी एनुअल इनकम होगी उस इनकम का 10% जो है वो मैं आपसे ले लिया करूँगा, और उसके बदले में आज मैं आपको एक रकम देने के लिए तैयार हूँ, तो ये रकम क्या होगी आप मुझे बताइए। तो अब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आशित की जो इनकम है वो महीने की 40,000 रुपीज़ है या एनुअली 480,000 रुपीज़ है। हमने सेकेंड अजम्पशन यहाँ पर ये लगाया है कि आशित की जो इनकम है वो 8% से बढ़ेगी हर साल, और एवरी फिफ्थ ईयर वो अपना जॉब चेंज करेगा तो उसकी जो इनकम है वो 12% से बढ़ेगी इन द फिफ्थ ईयर। सो पहले साल का जो 480,000 होगा उसका 10% उसे मिस्टर बफेट को देना होगा, यानी वो 48,000 रुपीज़ देगा। फिर अगले साल उसकी इनकम बढ़ के हो जाएगी 518,000 रुपीज़, उसका अगेन 10% उसे मिस्टर बफेट को देना होगा जो है 51,840 रुपीज़। अब ऐसे करते करते वो हर साल अपनी इनकम का 10% मिस्टर बफेट को दे दे जाएगा। तो अब हमें ये समझना है कि आज आशित के ऊपर जो दुविधा है वो ये है कि भाई आज उसे जो है कितने लाख का या कितने करोड़ का जो है चेक मिस्टर बफेट से लेना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि आशित अगर ये 48,000 रुपीज़ मिस्टर बफेट को नहीं देता और जो है इसे इन्वेस्ट कर देता है 12% पे, विच मीन्स कि ये उन्हें नहीं देगा और ये जो है इन्वेस्ट करेगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, 12% के हिसाब से 30 इयर्स बाद अगर वो आज 48,000 रुपीज़ डाल देता है तो इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 14,38,000 रुपीज़, राइट। फिर अगले साल वो 51,840 को इन्वेस्ट करेगा 29 इयर्स के लिए। क्यों 29 इयर्स के लिए? देखिए उसकी एज हमने अज्यूम की है 26, फाइन, और वो काम करेगा हमने अज्यूम किया है फॉर 30 इयर्स यानी 55 इयर्स के लिए, यानी विच मीन्स कि 26 की एज में जो वो पैसे देगा वो कहीं और अपनी रिटायरमेंट तक यानी 30 इयर्स तक वो इन्वेस्ट कर सकता था। इसीलिए उसने क्या किया, ये पैसे हमने अज्यूम किया कि अगर वो 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता 12% पे तो ये पैसा बढ़ के हो जाता 14,38,000। अब वो 27 का हो गया यानी उसकी रिटायरमेंट को अब सिर्फ 29 इयर्स रह गए। अब ये पैसा मिस्टर बफेट को नहीं देकर अगर वो इन्वेस्ट कर देता फॉर 29 इयर्स, यहाँ पे उसके पास हो जाएंगे 13,86,000 रुपीज़। फिर ऐसे ही अगर वो हर साल मिस्टर बफेट को ना देने की जगह पे अगर वो निवेश कर देता है ये इन पैसों को, तो यहाँ पे उसके पास 30 इयर्स बाद होंगे करीब करीब होते, अगर वो मिस्टर बफेट को नहीं देता तो उसके पास होते करीब करीब 2,89,00,000 रुपीज़। अब उसने ये पैसे इस वैल्यू को 2,89,00,000 रुपीज़ को उसने सैक्रिफाइस कर दिया क्योंकि उसे जो है मिस्टर बफेट को पैसे देने थे उसकी कमाई का 10%। तो अब हमें ये समझना है कि आज उसे कितने रुपयों का चेक लेना चाहिए सो दैट ही इज़ एट द फेयर वैल्यू। उसे पता है कि
मैं जो है फेयर वैल्यू पे अपना जो है डील कर रहा हूँ, तो अब हमें समझना होगा कि अगर महंगाई 6% से बढ़ती है तो ये 2,89,000 रुपीज़ की वैल्यू आज 30 बरस बाद जो उसके पास होते ये पैसे, उसकी वैल्यू आज कितनी होगी। तो हम इसे जो है अभी डिस्काउंट करेंगे इन्फ्लेशन के साथ, विच इज बाय 6%, यानी एंड रेस टू द पावर ऑफ 30, क्योंकि वो 30 ईयर्स के लिए जो है इन्वेस्ट करने वाला था। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो आज बनेगी अराउंड 45 लाख रुपीस। तो विच मीन्स कि वो जाकर जो है मिस्टर बफेट को कह सकता है कि सर आप जो है हमें 45 लाख रुपीस का चेक दे दीजिए, और क्योंकि मैं भी जो है इन पैसों को जो मैं आपको दे रहा हूँ ये जो है मैं सरेंडर करूँगा, इस वैल्यू को मैं आपको दूंगा पैसे, तो मैं ये निवेश नहीं कर पाऊँगा, और मेरे पास जो ये 2,89,00,000 रुपीस होते हैं 30 ईयर्स बाद, जिनकी वैल्यू आज बनती है महंगाई के कारण 45 लाख रुपीस, तो आप जो है मुझे ये पैसे दे दीजिए एंड दिस विल बी अ फेयर डील फॉर मी, और मैं आपको जो है अजम्पशन के साथ कि मेरी सैलरी 8% से बढ़ेगी और 12% से जो है 5 बरस में एक बार बढ़ेगी, मैं आपको जो है ये पैसे लौटाऊंगा, या जो है मैं हर साल अपनी सैलरी में से मैं आपको दूंगा। लेकिन अब मान लीजिए अगर ये 7% हो जाता और एवरी फिफ्थ ईयर में उसकी सैलरी 12% की जगह पे 10% से बढ़ती, राइट, विच मीन्स यहाँ पे उसकी जो सैलरी है अब 7% से बढ़ रही है और एवरी फिफ्थ ईयर उसकी जो सैलरी है वो अब जो है 10% से बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये वैल्यू कम होकर हो जाती है 39 लाख रुपीस। या मान लीजिए आशित सोचता है कि भाई मैं 12% बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा मेरे लिए, और मैं जो है मेरी सैलरी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 7% से ही बढ़ेगी, 8% तो बहुत ज़्यादा का अजम्पशन है, और हम जो है ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी 12% की जगह पे सिर्फ 10% ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है उसे मिस्टर बफेट से 28 लाख रुपीज़ का चेक डिमांड करना होगा, बिकॉज उसने अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी और कंजर्वेटिव कर ली। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि जब मिस्टर बफेट ने पूछा किसी कॉलेज में कि अगर मैं आपका 1/10 जिंदगी भर का अगर आपसे मांग लूँ आज, और मैं आपको आज उसके जगह पे कोई रकम दे दूँ, तो आप मुझसे आज क्या रकम लोगे, तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से जो है हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए, ऑल्दो रियल लाइफ में कोई आके आपको ऐसा नहीं कहने वाला कि आपकी सैलरी का 1/10 हमें दे दीजिए। गुड कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने मिला आपको, आपका फाइनेंशियल नॉलेज जो है मैं थोड़ा बढ़ा पाया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वेनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग भी विजिट कर सकते हो। अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए आपके स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग भी फॉलो कर सकते हो, और अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्विज वगैरह पूछते रहता हूँ, उसकी लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।